हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, जडियाल के जितने शहरी मुख्तलिफ तंजीमों के हमारे दीन, आप सबका दिली तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने वक्त से कुछ लम्हे निकाल कर एक जो मसला है यहाँ पर पैदा हुआ है उसके साथ अपना इजहार यकजहती करने के लिए जो हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे हकूक के लिए बोलने वाले गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, कि अपनी हिफ्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। दोस्तों और साथियों, एक बात मैं शुरू में वाज़े करना चाहता हूँ कि मैं जिस तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुत सारे यहाँ पर आज़ादी पसंद तंजीमों के दोस्त हैं, हम रियासत जम्मू कश्मीर जो 84,471 मुरबा मील है उसकी मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और गैर मुल्की कब्ज़ा जितना भी है, चाहे वो जिस मुल्क का भी हो, उसके खिलाफ़ हैं और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस रियासत में सारे ही लोग, 100% लोग जो हैं वो रियासत की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में हैं। यहाँ पर इस मजमे में भी ऐसे दोस्त मौजूद होंगे कि जो सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएं अगर उनको मौका मिले, या रियासत के उस तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं सच्चे दिल से कि वो रियासत को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएं अगर उनको मौका मिले, तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हम उनके जज्बात का, उनके नज़रिए का, उनके नुक्ता नज़र का पूरी तरह एहतराम करते हैं। हमने हमेशा इस जमहूरी हक़ के लिए, जिसको हमारी कौम हक़ के खुदरादियत कहती है, उसके लिए जदोजहद की है। और उसका मतलब ये है कि आप सबको ये हक़ मिल जाए कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें। इसलिए ये मैं बात इसलिए कहना चाहता हूँ, 2-3 दिन कबल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें यहाँ फरजंदे जडियाल हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, शायद यहाँ ही खड़े वो गुफ्तगू कर रहे थे, और वो फरमा रहे थे कि ये लोग जो हैं वो इंतहा पसंद हैं, ये दूसरे के नज़रिए को बर्दाश्त नहीं करते, और ये जो हैं वो गैर जमहूरी लोग हैं। और फिर वो इन दुकानदारों को कह रहे थे कि आप अगर ये लोग यहाँ पे आए तो इनको जूते मारें। ये उनकी गुफ्तगू थी। और यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेटर कम और एक दादा और गुंडा जो है वो ज्यादा लग रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हम इकट्ठे रहे, हमने एक तंजीम में इकट्ठे काम किया, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूँ, सियासी बात दूसरी जगह पे है, उनके नुक्ता नज़र का भी मुझे पता है, उनका नुक्ता नज़र क्या है और वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब वो बोल रहे थे तो उनकी जुबान और उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा था, आप देख लें वो वीडियो, वो कह रहे थे कि ये गैर जमहूरी इनका रवैया है। मैं ये पूछता हूँ कि झंडे पहले किसने उतारे? गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा क्या तनवीर अहमद ने किया, क्या लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों ने किया, या गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा यहाँ की इंतजामिया और उनके टाउटू ने किया जिन्होंने रात की तारीकी में यहाँ से लगे हुए झंडे उतारे, गायब किए और उनकी बेवड़ी? आप सब इस बात के गवाह हैं। इस वक्त भी यहाँ पर हमारे कारकुन मौजूद हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते से यहाँ पर मौजूद है, ये झंडा लगा हुआ है, वो झंडा लगा हुआ है, किसी ने झंडू को उतारने की, जब उन्होंने यहाँ पर झंडे लगाए तो हमारे साथियों ने, तनवीर ने उनसे ये कहा कि आपने हमारे झंडे उतार के लगाए हैं, आप अपना झंडा खुद उतार लें। तो हमें कहा गया जी कि हमें एक आध दिन दिया जाए, 14 अगस्त है, आज़ादी का जश्न है, हम ये उतार लेंगे। किसी आदमी ने झंडे को नहीं छेड़ा। 3 दिन यहाँ पे एहतजाज रहा, इंतजामिया रोज डालती रही, रोज ये बातें करती रही, आज उतार लेंगे, कल उतार लेंगे, परसों उतार लेंगे। अब झंडे उतारने का जिस तरह सगीर साहब ने भी कहा कि ये किसी बेहुरमती में नहीं आता है झंडा उतारना,
झंडे रोज लगाए जाते हैं, रोज उतारे जाते हैं, पाटरों में लगाए जाते हैं, दफ्तरों में लगाए जाते हैं, तकरीबात में लगाए जाते हैं और उतारे जाते हैं। अगर आपको अपना झंडा गाड़ने का इतना ही शौक है तो ये प्लाजा है वो पाक फौज तेरी अजमत और जुरत को सलाम, इसके ऊपर लगाएं। ये प्लाजा है इसके ऊपर लगाएं। ये जो खंभा शानदार जो चौधरी आफ्ताब साहब की अजमत का मुंह बोलता सबूत है इसके ऊपर लगा दें। मकबूल पद के ऊपर आके तो झंडा लगाने का मतलब इंतशार फैलाना है, इसका मतलब लोगों को भड़काना है, इसका मतलब दूसरे के नजरिए पर हमला करना है, इसका मतलब जो है वो यहाँ अमन और अमान की फजा को खराब करना। और मुझे और मेरे वो भाई जो पाकिस्तान के आमी है हमें आमने सामने खड़ा करना है, हमें लड़ना है, इसका मकसद और कोई मकसद नहीं है इसका। गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद हमारे इन नाम निहाद वकीलों ने जो कभी फरीक भी होते हैं और कभी वकील होते हैं और कभी पुश्तीबान होते हैं और फिर अचानक मालक बन जाते हैं, ये 3-4 दिन पहले 14 अगस्त को जब ये झंडा लहरा रहे थे तो ये ऐसे नहीं लहरा रहे थे, ये नक्शा भी लहरा रहे थे कि ये कश्मीर हमारा है। और फिर ये कहते हैं अगली ही सांस में फिर ये कहते हैं कि कश्मीर मुतनाज़िया इलाका है, यहाँ के लोगों को हक दिया जाए। अक़वामे मुत्तहिदा में जाकर फिर कहते हैं जी ये भी इंडिया को बाहर निकालें और इनको हक दें, ये खुद फैसला करें। एक दिन मुतनाज़िया, दूसरे दिन इनकी मलकियत, और फिर जो है वो ये कहते हैं कि हम कुछ बोले ही ना, हम कुछ बात ही ना करें। 5 अगस्त के बाद इनका जो मकरूह चेहरा था वो पूरी दुनिया ने देख लिया, हर कश्मीरी ने देखा है, राजा फारूक हैदर खान से लेके तो कोटली के साईं चंद, हर बंदे को पता, हर बंदे को ये पता चल गया है कि पाकिस्तानी हुक्मरान तबका जो है वो क्या चाहता है। ये ध्यान में रखें कि हमारी लड़ाई किसी सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी, महाजर, सराइकी, किसी आम आदमी से नहीं है, ना दिल्ली वाले से, ना बम्बई वाले से, ना हम जो है वो लाल किले पे या जो है वो इस्लामाबाद में या अमेरिका में झंडे गाड़ने वाले हैं, हम वो नहीं हैं। हम सिर्फ अपने घर की आज़ादी और इज्जत की बात करने वाले हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तानियों से और आम हिंदुस्तानियों से, हमारी दुश्मनी इनके हुक्मरान तबके और इनकी सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ है, जो हमारा हक जो है वो कुचलते रहते हैं। कितना आप देखें जबरी कब्जा नामंजूर, जबरी नक्शा नामंजूर, चौक हमारे, झंडे तुम्हारे नामंजूर, नामंजूर, रियासत हमारी, नक्शे तुम्हारे नामंजूर, नामंजूर। मेरे दोस्तों ने बातें की हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, तनवीर ने जो कुछ किया वो वीडियो में मौजूद है, सारा कुछ सामने है। वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, उसकी परवरिश एक अच्छे माहौल में हुई है, जहां झूठ नहीं बोला जाता है, जहां रिश्वत नहीं ली जाती है, जहां लोगों के कपड़े नहीं फाड़े जाते हैं, जहां कोविड के दौरान 1000 रुपया लेकर गाड़ियां पुल से पार नहीं करवाई जाती है, जहां FIR काटने के लिए SHO को 1000 रुपया नहीं देना पड़ता है, मुहर्रम को पेंसिलों का डब्बा और कागजों का जो है वो दस्ता नहीं लेके देना पड़ता है, वो वहां से आया हुआ है, वो तुम लोगों की तरह आराम नहीं खाता है, तुम लोगों को कोई बुनियादी इंसानी मसले का ही पता नहीं है, इंसानी इखलाकियात का पता नहीं है। जब हमारी कौम मुश्किल में पड़ती है, जब जलजला आता है, जब कोई तूफान आता है, जब कोई बीमारी आती है, तो तुम लोगों की जेबें काटने लगते हो, तुम क्या लोगों को इखलाकियात और कानून का दर्द दोगे? तुम्हें तो शर्म से इन चौकों में खड़ा नहीं होना चाहिए, किसी चोर को, किसी जेब कुतरे को, किसी राशि को, ना हमारा मजहब इज्जत की निगाह से देखता है, ना इखलाकियात इज्जत की निगाह से देखती है, ना कोई माशरा इज्जत की निगाह से देखता है। बेइज्जत और बेवकार लोग हैं ये सारे, कि जो तनवीर के खिलाफ उसको यहाँ के सीटने के लिए आए, उसने अब परचम उतार के इज्जत से रखा हुआ। कहना मैं ये चाहता हूँ, एक तरफ वहां पे वो है हिंदुस्तान है, उनका नारा है कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर ये इंडिया का अटूट अंग है, और वहां अगर कोई ये बात करे कि नहीं जी ये इंडिया का अटूट अंग नहीं है तो उसको गद्दार करार दिया जाता है, उसको पाकिस्तानी एजेंट, उसको इंडिया का गद्दार, उसको मारा जाता है, जेलों में डाला जाता है, हर निसाब से लेके हर
तक, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे जो भी, ज्यादा तो मुसलमान ही हैं, वो इंडिया का झंडा लहराते हैं। शेख अब्दुल्ला मुसलमान था, जो ये कहते हैं ना हमें संताली में हमारे बाप दादा ने हिंदुओं से आजाद करवाया, ये कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े झूठे ये हैं कि कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान है और शेख अब्दुल्ला कुरान पाक का एक सपारा तलावत करके तो फिर तकरीर शुरू करता था। उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फलाना फलाना फलाना, एक पूरी जितनी वहां पे सियासी लीडरशिप इंडिया नवाज है, जो इंडिया के झंडे लगाती है, वो सारे मुसलमान हैं। और इस बिल्कुल इसी तरह जब आप सीज फायर लाइन के इस तरफ आए तो ये कहते हैं हमारी शहरग है। अटूट अंग का मतलब होता है लाजमी हिस्सा, जो टूट ना सके, टूटा हुआ है फिर भी अटूट अंग है, यानी कितना बड़ा झूठ है इंडिया का। शहरग का मतलब ये होता है कि अगर कट जाए तो मर जाता है इंसान या कोई भी वजूद, कटी हुई है लेकिन कोई नहीं मर रहा, इसका मतलब है ये भी झूठ। ये अटूट अंग और ये शहरग जो है ये टोटल झूठ है, और इनको लेकर यहाँ चलने वाले गैर रियासती वजीफा खोर, गैर रियासती एजेंडे के परवर्ता, बरादरियों के खड़पेंच, बरादरियों के मासूम लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करके ज़कात पाने वाले, वोट लेकर वतन का सौदा लगाने वाले, ये जितने भी हैं ये कोई ना कश्मीर पर बोलने का हक रखते हैं, ना इनका मैंडेट है कश्मीर पर बोलने का। जो पाकिस्तान नवाज है उनकी आवाज लेकर पाकिस्तान गली गली आवाज लगाता है, जो इंडिया नवाज है उनकी आवाज लेकर इंडिया गली गली जाके कहता है कि ये हमारा है। अब जो दरमियान में आजादी वाले रहते हैं, कश्मीरियों के नुमाइंदे, कश्मीरियों की आजादी के नुमाइंदे वो हैं, राजा फारूक हैदर कश्मीरियों का नुमाइंदा नहीं है, चौधरी मजीद नुमाइंदा नहीं है, सिकंदर अयाज नुमाइंदा नहीं है, फारूक अब्दुल्ला और बैरिस्टर सुल्तान और शेख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मसला कश्मीर पर कश्मीरियों के नुमाइंदे नहीं है। और ये बात मैं कोई ऐसे अपनी तरफ से कोई सियासी जुमलेबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों में लिखा हुआ है कि यहाँ की कोई असम्बली, यहाँ की कोई सियासी जमात, जो इंडिया नवाज या पाकिस्तान नवाज यहाँ की जमातें हैं उनकी कायम, वो मसला कश्मीर पर कोई अथॉरिटी नहीं रखती है, वो कोई फैसला नहीं कर सकती है मसला कश्मीर के ऊपर। मसला कश्मीर के ऊपर जो तस्लीम शुदा बैन अल-अक़वामी मसला है, उस पे सिर्फ और सिर्फ मुझे, आपको, इस रियासत के हर शहरी को बहसियत एक फर्द अपना वोट डालने का हक हासिल है जब भी यहाँ पर राय शुमारी होगी। तो इसलिए ये कहना कि ये पाकिस्तान है और यहाँ से पाकिस्तान के झंडे की बेहरमती की गई, और ये इंडिया है और यहाँ से इंडिया की झंडे की बेहरमती की गई, ये किसी कायदे कानून में नहीं आता है। और मैं आपको बता दूं, डडियाल वालों को मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जिन्होंने झंडे की बेहरमती की है वो असम्बलियों में बैठे, वो असम्बलियों में मेंबर बने हैं, इसी डडियाल से मुंतहिब होके मेंबर बने हैं, वो कश्मीर बनेगा, जम हमारे कब्जा तुम्हारा, बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा, पाकिस्तान का सेनेट और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ऐसे दर्जनों लोगों से भरी हुई है जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे उतारे, जलाए, बेहरमती की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तान तोड़ने के लिए तहरीकें चलाई। उसमें पश्तून ख्वा लोग हैं, उसमें बलोच हैं, उसमें सिंधी हैं, उसमें मुहाजिर हैं। क्या आपने वो टीवी पे नहीं सुने कभी अल्ताफ हुसैन के भाषण? सुने हैं ना आपने अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहता है और पाकिस्तान की फौज और मुल्क के बारे में? क्या उसके बंदे असेंबली में नहीं बैठे हुए हैं? क्या महमूद चकज़ई, क्या बाचा खान, असफ़ल यार वली के परचम और तराने मोहतरम जो हमें जुटलाए, जो हमें जुटलाए वो परचम वो तराने मुस्तरद। ये दो लाइनों में बहुत बड़ा पैगाम है। यहाँ बिडियाल चौक में जो एक वाकया हुआ वह आप सबके इलम में है, और जिस शख्स पे इन्होंने बगावत का मुकदमा बनाया है, इनको बगावत की डेफिनेशन कौन सिखाएगा?
बगावत क्या चीज होती है? क्या तनवीर ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हुए इसके साथ कोई ऐसा अमल किया है जो उसमें बगावत का मुकदमा बने? पाकिस्तान के आईन के अंदर कहां ये बात लिखी है कि जो कश्मीरी है वो पाकिस्तान के शहरी हैं? जब हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, तो वहां के परचम हमारे लिए क्यों मोहतरम हूं? हम फिर भी जिंदा कौम होने का सबूत देते हैं। हमने कभी वो अमल नहीं दोहराया जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाले सूबे इनके साथ दोहराते हैं। हमने कभी पश्तूनों वाला काम नहीं किया, वो अपने जलसों के अंदर पाकिस्तान के परचम चलाते हैं। हमने 14 अगस्त को बलोचियों का पाकिस्तान का परचम अपने पैरों तले रख के आजादी की मुबारक देते हैं। अभी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हिस्सा पाकिस्तान के जेरे कब्जा है, कभी किसी शहरी ने कोई ऐसा अमल दोहराया नहीं? दोहराया, उसकी वजह क्या है? हम ये समझते हैं कि हमारी रियासत में 2 मुल्कों का कब्जा है, हमने उनसे छुटकारा हासिल करना है, लेकिन हम ये दुनिया की नजर में खुद को खराब नहीं करना। हम जिंदा कौम होने का सबूत देते आए हैं। हम पाकिस्तान के परचम के साथ कभी हमने बेहुरमती नहीं की, तनवीर ने भी नहीं की। उसने बड़ी इज्जत के साथ परचम उतारा। तमाम दुनिया इस वक्त वो वीडियो देख सकती है। वो परचम सीने से लगा के इस जगह पे बैठा हुआ था और वो जो सिविल वर्दी में गुंडा आया उसने आगे अपने परचम की तोहीन की है। बगावत का बेहुरमती का परचम तो उस नाअहल पे बनना चाहिए था, इन्होंने तनवीर को बनाया। तो मेरे भाइयों, ये जो दोनों तरफ बैठे काबिज हैं, ये कान खोल के इस बात को वाजिया तौर पे श्रीनगर के अंदर अगर इंडिया का परचम लहराया जाता है तो हमारे लिए वो भी काबिले नफरत है, और अगर मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है हमारे लिए वो भी काबिले नफरत है। लेकिन हमने उनके खिलाफ, हमने उन परचमों के लिए कभी नफरत का इजहार इस लेवल तक नहीं किया कि हमें इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की तरफ जाना पड़े या हमें किसी दूसरे मुल्क की परचम की बेहुरमती करनी पड़े। जो काम इन्होंने किया, हम इनसे मुतालबा करते हैं, बल्कि इनको वार्न करते हैं कि जिन लोगों ने तनवीर के साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की उसको घसीट के यहाँ से लेके गए, उन तमाम गदों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन तमाम गदों को नाअहल किया जाए। फौरी हमारा पहला मुतालबा है। उसके बाद तनवीर को और सफीर को बाइज्जत तरीके से रिहा करें, वरना ये मत समझे ये जो 70-72 सालों से लोग अपने अंदर जबर के खिलाफ एक चिंगारी छुपा के बैठे हैं तो वो चिंगारी जो है वो दबी रहेगी। तुम लोग खुद उस चिंगारी को हवा दे रहे हो और वो चिंगारी शोला बनेगी, वो चिंगारी आग बनेगी और जला के रख देगी हर उस अनासर को जो हमारी आजादी और हमारी खुदमुख्तारी के रस्ते में आएगा। तुम अफगानी बुला लो, तुम पंजाबी बुला लो, तुम जिसको मर्जी बुला के फोर्स बना लो, लेकिन इन बागयूर बेटों के सीने उनसे ज्यादा बहादुर नहीं है। हम लड़ना जानते हैं, इस कौम की बेटियां लड़ना जानती हैं, इस कौम के बेटे लड़ना जानते हैं, इस कौम की माए बेटे कुर्बान करना जानती है। क्या मैं वो तारीख यहाँ पे दोहराऊं कि रियासत जम्मू कश्मीर की माओ ने अपने कितने बेटे इस रियासत की आजादी और खुदमुख्तारी के लिए कुर्बान किए हैं? 47 के वक्त जब तुम लोगों का परचम अभी नहीं बना था, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर का, हमारी नस्ल, ये रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो बाशिंदे हैं उनका परचम 47 से पहले भी मौजूद था। हमारी तारीफ तुम लोगों की तारीफ से पहले की है। तुम लोगों के तो मुल्क का किसी ने नाम नहीं रखा था। हमारी रियासत तब भी मौजूद थी, उसकी डिग्निटी तब भी मौजूद थी। हम कौन कौन सी तारीफ तुम लोगों के सामने दोहराएंगे? लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है कि तनवीर और सफीर को बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाए। जो यहाँ भी मेरे भाई ने अपने मुतालबात दोहराए हैं उन तमाम मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए, वरना ये जो आप लोगों को सैकड़ों लोग इस चौक में नजर आ रहे हैं ये पूरी रियासत में फैल जाएंगे और पाकिस्तान का आजाद कश्मीर में हम दाखला बंद कर देंगे। ये वतन, ये